कि मनीष सर, जैसे आप किसी शिक्षक को किसी स्कूल में जाकर किसी ठेला वाले को या किसी नेता को आप जैसे रेलते हैं ना, रिलाई करते हैं, वैसा ही है भोजपुरिया में कौन कौन सिंगर हो गई बारन सन, छौरी सन, ढेर छौरी सन भइल बारन सन, अपना नाम के लेके वायरल होखेला, कहे कि कुछ लोग डरा जाला लड़की के मैटर से, तो वो लड़कियां सब किया ना, तनके अच्छा से समझाइए, अपना भाषा में समझाइए, जैसे समझाते हैं इंजीनियर को रेलते हैं ना कस के, वैसा ही रिलाई कीजिए लड़की लोग, शरमाइएगा बैठिएगा तो वैसे नहीं चलेगा जी, क्योंकि आप नहीं जान रहे समाज में कितना गलत चीज चल रहा है। कोई भी न्यू लड़की आ रही है, 2 महीना बाद आपके नाम को लेकर गा रही है कि मेरे पास मनीष पत्रकार दना तू एक के गर्मी उतार, ए हो मनीष पत्रकार दोनों तू एक के गर्मी उतार, तैयार तू हमरा के रेल द, इतना ही गर्मी धैले बा बहिन तोहनी के, तो सबसे अच्छा अपना माई बाबूजी से कह ये पापा हमर बियाह कर द। लेकिन ऐसन बेशर्मी के एगो लड़की बारू, हमू एगो लड़की बनी, लड़की के एगो कायदा में रहल जला, कहल ना जला एगो पर्दा होला माई बाबू के बीच के, एगो पर्दा होला, तो पर्दा में रहू ना तो ढेर नीचे। धन्यवाद। और आपके चैनल से देखने वाले, सूर्या न्यूज फास्ट से देखने वाले जितने भी श्रोता है, सब किसी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले अपना गाना सुनाइए जो आपने गाना गाई है मनीष भैया के ऊपर। काहे के भइले बानी रउआ खामोश जी, झूठो मुठो के सब लगावत रे दोस जी, काहे के भइले बानी रउआ खामोश जी, झूठो मुठो के सब लगावत रे दोस जी, करी ना देर सामने आई एक बार, करी ना देर सामने आई एक बार, ए हो मनीष पत्रकार दना तू एक के गर्मी उतार, ए हो मनीष पत्रकार दोना तो एक के गर्मी उतार। हाँ जी, यहाँ पे आपने बोली है कि दोना गर्मी उतार, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों। इसलिए बोले है ना क्योंकि लड़के लोग जो है, कुछ लड़के लोग उनके नाम को गंदा बना रही है, इसीलिए हम बोले मनीष पत्रकार दी इनकर गर्मी उतार। कहे कि गर्मी के मतलब कितना लोग इसका मतलब गलत सोचता है, कितना लोग अच्छा सोचता है, तो आप इसको अच्छा व्यू से देखिएगा तो अच्छा होगा, गलत से देखिएगा तो गलत होगा। मतलब उस सामने आकर वो बताए, उस सामने आकर बोले कि हाँ मेरे ऊपर गाना मत बना सन, या उस गाना को डिलीट करवाए, सामने आकर बोल सकते है ना कि मेरे नाम को लेकर तुम सब मेरे नाम को बदनाम मत करो। मनीष कश्यप जो उनके ऊपर बार बार मतलब इस प्रकार से अभद्र अभद्र गाना गा रही है, आप भी एक कलाकार हैं, वो भी जितने भी मतलब लड़की है वो भी एक कलाकार है, लेकिन आपका क्या सोच है उनके बारे में और उन लोगों का क्या सोच है इसके बारे में कुछ बताइए। हम ये सोचते हैं, मुझे खुशी होती है कि वो मेरे बिहार का है, और दूसरे का खुशी वो पश्चिम चंपारण जिले के हैं और हम पूर्वी चंपारण से हैं, और ज्यादा इसलिए खुशी होती है ना कि जहाँ पे जिसको मतलब जिसके सामने खड़ा होने में डर लगता है वहां पे जाकर वो रेल कर चले आते हैं, उसका इंटरव्यू लेकर चले आते हैं, यही और अच्छा चीज को दिखाते हैं, और यही मेरा ये सोच है, उनके सपोर्ट में हम गाए हैं, और जो उनके नाम को लेकर वायरल होना चाहते हैं, मैं ये वायरल होने के लिए नहीं गाई थी कि मैं वायरल हो जाऊंगी या जो भी हो, बट जितना भी प्यार मिला इस गाना से, आप लोग सुनकर आते हैं मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को कोई अच्छा गाना से मेरा इंटरव्यू लेता है, इसलिए मुझे खुशी होती है। बट जो लड़के उनके बारे में थोड़ा गलत सोची होगी या वायरल होने के लिए, तो कितना दिन तक ले वायरल रहेगी सब। बानी रेल वावेला तैयार तू हमरा के रेल द, इतना ही गर्मी धैले बा बहिन तोहनी के, तो सबसे अच्छा अपना माई बाबूजी से कह ये पापा हमर बियाह कर द। लेकिन ऐसन बेशर्मी के एगो लड़की बारू, हमू एगो लड़की बनी, लड़की के एगो कायदा में रहल जला, कहल ना जला एगो पर्दा होला माई बाबू के बीच के, एगो पर्दा होला, तो पर्दा में रहू ना तो ढेर निक लगे, लड़की के कहल जला कि भर हाथ चूड़ी निमन लागेला आ पूरा देह ढकल निमन लागेला, वही लेखा ना भोजपुरी, भोजपुरी हमनी के बड़ा सुंदर भाषा बाटे, ये भाषा के बदनाम मत करा लोगन, आई आई साहिब मनीष सर के बदनाम मत करा लोगन, अगर तोनी के अंदर टैलेंट बा तो अपना टैलेंट अपना हुनर के लेके तोनी के आगे बढ़ा लोगन, कहे कि अपना टैलेंट और हुनर के वजह से तोनी के आगे बढ़बू तो बहुत दिन तक ले चलबू, हाई गा के कोनो के नाम लेके गा देबू लोग तो ढेर दिन तक ना, हम चैलेंज लेके कहतनी 3 महीना से ज्यादा दिन ना, ये आपको भी कह रहे हैं, आपके चैनल से कह रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा कि कितना दिन चल, ज्यादा से ज्यादा चलेगी 1 महीना, हम तो ज्यादा ही बोल दिए, 1 महीना चलेगी ज्यादा से ज्यादा। मनीष भैया अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, आपका उनके लिए संदेश क्या रहेगा? यही रहेगा कि मनीष सर, जैसे आप किसी शिक्षक को किसी स्कूल में जाकर किसी ठेला वाले को या किसी नेता को आप जैसे रेलते हैं ना, रिलाई करते हैं, वैसा ही है भोजपुरिया में कौन कौन सिंगर हो गई बारन सन, छौरी सन, ढेर छौरी सन भइल बारन सन, अपना नाम के लेके वायरल होखेला, कहे कि कुछ लोग डरा जाला लड़की के मैटर से, तो वो लड़कियां सब किया ना, तनके अच्छा से समझाइए,
अपना भाषा में समझाइए, जैसे समझाते हैं इंजीनियर को रेलते हैं ना कस के, वैसा ही रेलाई कीजिए लड़की लोग को, शरमाइएगा बैठिएगा तो वैसे नहीं चलेगा जी, क्योंकि आप नहीं जान रहे समाज में कितना गलत चीज चल रहा है। कोई भी न्यू लड़की आ रही है 2 महीना बाद आपके नाम को लेकर गा रही है कि मेरे पास मीडिया वाला। अंजलि अनमोल का सबसे पहला जो चैलेंज है, यह बोल रही है कि जितने भी कलाकार जब आते हैं सोशल मीडिया पे अपना मैंने पहचान बढ़ाने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से अभी चल रहा है भोजपुरी में, इस प्रकार से अगर कोई भी करेगा तो 1 महीना इनका खुला चैलेंज दे रही है कि 1 महीना ज्यादा टिकने वाला नहीं है, आए है और फिर चले जाएगी।